नमस्कार आदाब सुश्री मैं हूं कपिल कार्डपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्ट्स सोर्सेज दिस इज 29th ऑफ मार्च 2021 विद मी 29 मार्च 2021 की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं ये क्लास रोज सुबह 7 बजे होती है आपके इसी YouTube चैनल पर अभी आज इस वक्त ले रहा हूं और आज जो एम सी क्लास होनी है वो रात को दस बजे होगी ठीक है जो एम सी क्लास होनी है वो रात को दस बजे होगी उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको सही तरीके से दिखाई दे रही है और मैं अच्छे से आपको सुनाई दे रहा हूं राइट ओके ओके ऑल वेल ऑल वेल उम्मीद करता हूं ऑल वेल well. सब बढ़िया है एकदम अच्छे से हो सब बढ़िया हो होली कैसी रही बढ़िया रही ओके okay, होली कैसी रही हैप्पी होली सबसे पहले तो ऐसे तो हम सुबह विश कर चुके थे एक क्लास हुई थी हमारी सुबह प्लस क्लास उम्मीद करता हूँ होली में ज़्यादा इधर उधर नहीं गए होंगे क्योंकि कोरोना वायरस फिर से अपना कहर बरपा रहा है और घर में रहे होंगे घर मर मनाई होगी होली नहीं मनाई होगी तो अपने जो टारगेट्स हैं उनको पूरा किया होगा पढ़ाई की होगी अच्छे से वो भी आपके लिए एक तरह के होली ही है ठीक है लोग रंगों से खेलते हैं आप सवालों से खेले होंगे और सवालों से खेल कर डेफ़िनेटली आपको आ, कुछ फ़ायदा ही मिला होगा और वो फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा आने वाले डेज़ में आने वाले महीनों में आने वाले एक दो साल में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है इसी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं एंड uh, ये मेरी क्लासेस का पूरा पूरा शेड्यूल है राइट right, ओके okay, और uh, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि पी मिलती रहे ऐट द रेट के कार्ड पर लिखिएगा वहां पर टेलीग्राम पर जाके और मेरा चैनल आपको मिल जाएगा राइट ओके पी बहुत बढ़िया है पी बहुत बढ़िया है ओके ओके ठीक है चलो पीडीएफ के ऊपर बाद में बात करेंगे स्टार्ट करते हैं सेशन का ये पहली खबर आप सभी के सामने है हरदीप सिंह पुरी जी से हरदीप सिंह जी पुरी जो हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आपके इन्होंने इनेग्रेट किया है आपका कुरनूल एयरपोर्ट को कुरूल एयरपोर्ट जो कि है उरावचल उरावक्कल आंध्र प्रदेश ओके सो यहाँ पर यह है कुरूल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में इसको यहाँ पर इनग्रेट किया गया है और इसी के साथ कुरूल एयरपोर्ट आपका छठा एयरपोर्ट बना आंध्र प्रदेश में जो कि आपका पूरा का पूरा फंक्शनल हुआ है आफ्टर कदप्पा विशाखापट्टनम तिरुपति राजा राजा मुंद्री एंड द विजयवाड़ा छह पांच एयरपोर्ट्स ऑलरेडी यहां पर है आंध्र प्रदेश में और यहां पर ये बना है सिक्स एयरपोर्ट राइट एंड एयरपोर्ट इज क्लासिफाइड एज थ्री सी थ्री सी कैटेगरी होती है आपकी एयरपोर्ट्स की अलग अलग कैटेगरीज में उसमें थ्री सी कैटेगरी में आता है और यहाँ पर आपके ए टी आर सेवेंटी टू और Q400 फोर लाइक जो एयरक्राफ्ट बहुत बड़े एयरक्राफ्ट हैं ये यहाँ पर आकर आ सकते हैं राइट एंड दाई एस जगनमोहन रेड्डी ने इस कुरनूल एयरपोर्ट को नाम दिया है उल्ला वड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट जो कि एक काफी पहले फ्रीडम फाइटर थे इस एरिया के ओके पहले फ्रीडम फाइटर थे इस एरिया के उनको इसका नाम दिया गया है राइट एंड ठीक है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई जयमोहन रेड्डी विश्वभूषण हरिचंदन ये यहाँ के गवर्नर है आपको पीडीएफ कोर्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है इस सेशन के एंड में मैं दस मिनट बात करूँगा आपसे टेंशन ना लो कोई भी आपका इश्यू है हम डिस्कस करेंगे अभी क्लास पे फोकस लोगे जवाब दे दूंगा मैं कोई भी टेक्निकल इशू है डाउनलोड नहीं हो रहा सब सब चीजें बता दूंगा ठीक है डाउट्स कहाँ पूछने सब चीजें नेक्स्ट आती है नागालैंड से न्यूज अच्छा इसमें पहली न्यूज में जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपके बनेंगे आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुरन एयरपोर्ट कहाँ पर आंध्र प्रदेश में छह के छ एयरपोर्ट का नाम याद रख लीजिएगा और नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है ये नेम दे, दे देंगे और कहेंगे कहां पर है ये एयरपोर्ट और दस वन इज दी कुरनूल कुरूल विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस आंध्र प्रदेश नेक्स्ट चलते हैं हम नागालैंड लॉन्च एन ऐप आई लर्न फॉर दी सी एच ओ सो नागालैंड सो यहाँ के नागालैंड के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर का नाम है इन्होंने एक यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्च की है और ये एप्लीकेशन का नाम है आई लर्न आई लर्न इस एप्लीकेशन का नाम है ये एप्लीकेशन आपकी लॉन्च की गई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो आपकी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं नागालैंड में उनके लिए एंड दिस ऐप इज लॉन्च सपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट निष्ठा प्रोजेक्ट निष्ठा जो कि फंडेड फंड जिसको दिया जा रहा है जिसको पैसा दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा एंड इसको इंप्लीमेंट किया गया है जीपीगो के द्वारा ओके okay, सो so यहां पर आपका ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये किया गया है प्रोजेक्ट निष्ठा इंप्लीमेंट किया गया है इसके द्वारा और इसका जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से सितंबर 2020 की अगर मैं बात करूं तब यहां पर उस वक्त ये एक पार्टनरशिप किया गया था इस पर्टिकुलर निष्ठा प्रोजेक्ट के साथ निष्ठा लॉन्च्ड अफ मे, टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म द नेम वाज गिवन एज हेल्थ जो कि आपके जो उन लोगों की मदद के लिए था जो कि दूर दरस्त इलाकों में रहते हैं जिनको डॉक्टर्स या मेडिकल सर्विस उपलब्ध नहीं होती उनको यहां पर फोन पर ही यहां पर मेडिकल सर्विसेस प्रोवाइड कराई गई एंड मोर देन थाउजेंड टेलीकल्टेशन कंडक्टेड सो फार ओके सो अब ये जो बेसिकली ऐप है उसी कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन में ये ऐप आप आपकी लॉन्च की गई है वही पर्पज है इस ऐप का यहाँ पर जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको लोगों के साथ कनेक्ट किया जाएगा इस ऐप के थ्रू और ये आपका ऐप बेसिकली लोगों को भी कनेक्ट किया जाएगा और इस ऐप के थ्रू यहां पर बेसिकली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है इन लोगों के लिए सी के लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है ताकि वो मेडिकल के बारे में या फिर जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनके बारे में सीख सकें उनके बारे में पढ़ सकें और फर्दर ये आपका लोगों तक उस चीज को पहुंचा सकें एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन आई लर्न ऐप सी एच ओस के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए कौन से स्टेट ने लॉन्च की है नागालैंड ने लॉन्च की है पहला क्वेश्चन तो इसमें ये बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से प्रोजेक्ट के तहत है ये प्रोजेक्ट निष्ठा के तहत है प्रोजेक्ट निष्ठा किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है जेपेगियो के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा फंडेड है ये आपका प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा यहां पर यह फंडेड है ठीक है इसके द्वारा ये फंडिंग दी गई है ये कुछ क्वेश्चन हाँ और अगर थोड़ी सी पीछे की बात करें तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट निष्ठा जो निष्ठा प्रोजेक्ट है इसके तहत ऑलरेडी नागालैंड ने एक क्या ऐसी चीज लॉन्च की थी जो कि आपकी मेडिकल सुविधाएं या फिर टेली कंसल्टेशन सर्विस थी उसका नाम क्या था उसका नाम था नागा टेली हेल्थ ओके सो ये भी एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम इसरो आई एस टी ज्वाइन हैंड फॉर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट यहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर हाथ मिलाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इसरो ने यहां पर हाथ मिलाया है एग्रीमेंट किया है आई के साथ जो कि है आपका एक रिसर्च वर्क के लिए दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप की गई है दिस इज इज पार्टनरशिप पार्टनरशिप सिमिलर टू जो कि पहले जेट प्रोपोल लेबोरेटरी एंड द यूएस स्पेस एजेंसी नासा के बीच में की गई थी रिसर्च वर्क कैरी आउट करने के लिए और यही एक तरह के एक और डील यहां पर इसरो एंड आई के बीच में यहां पर की गई है एंड दिस इज फॉर द रिसर्च वर्क फॉर द फ्यूचरिस्टिक रिसर्च ऑर्बिट स्पेस से रिलेटेड है नथिंग एल्स जस्ट यूनिट रिमेंबर किसने किसके साथ टाइप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ टाइप किया ये पूछा जा सकता है एंड इसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी एक जेट प्रोपोज़न लेबोरेटरी जो थी उसने नासा के साथ टाइप किया था एंड जे पी एल विच इज फंडेड बाई द नासा वाइल मैनेज California Institute इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कुछ प्रीवियस पहले की बात है ये आपकी ये पहले की बात है ये अभी लेटेस्ट बात है यहां पर आपकी और नासा के बारे में यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है जे पी किस परपज से था, किस पर्पस से डिजाइन किया गया था जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट से ये दोनों पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट इसरो आई एस टी जेपीएल एंड नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन साउथ अफ्रीका पार्टनर विद द यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने आपका एक टाइप किया है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो साउथ अफ्रीका में है उसने यहां पर यूपी गवर्नमेंट के साथ टाइप किया है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो साउथ अफ्रीका में है उनका नाम है अंजू अंजू रंजन ओके okay, रंजन उनका नाम है यहां पर ये भी लिखा हुआ अंजू रंजन उनका नाम है इन्होंने यहां पर टाइप किया है उत्तर प्रदेश के साथ टू बूस्ट दी टूरिज्म टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा पोस्ट कोविड के बाद पोस्ट कोविड तो खैर पता नहीं कब आएगा यहाँ पर पोस्ट कोविड पोस्ट कोविड को यहां पर बढ़ावा दिया पोस्ट कोविड टूरिज्म को बढ़ावा देने आ जाएगा और ये एक मीटिंग हुई जिसका टाइटल यही रखा गया पोस्ट कोविड टूरिज्म इन इंडिया द डिटेल प्लान टूरिस्ट टू यूपी बाय द मुकेश कुमार जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फॉर टूरिज्म टूरिज्म एंड 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 कल्चर 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 इन यूपी खैर इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है मुकेश कुमार मेश्रम का ये नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में इनका नाम बट साउथ अफ्रीका में जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है उनका नाम जरूर पूछ सकते हैं साउथ अफ्रीका यहां पर आपका बेसिकली साउथ अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप क्यों किया गया है इसके पीछे कारण है कि जो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ द फर्स्ट इंडियन वो अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका में यहाँ पर यूपी से काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर और वहाँ से यहाँ पर मूवमेंट करते थे पहले जमाने की बात कर रहे हैं इसी वजह से यूपी के साथ यहाँ पर टाइप आपका किया गया है ओके okay, एंड इसके अलावा यहाँ पर इसी के साथ यहां पर एक यूपी ने ऑलरेडी एक स्पेशल सेल कह लीजिए स्पेशल ऑफिस कह लीजिए स्पेशल एक क्वायरी के लिए ऑफिस कह लीजिए ये एक बनाया है जिसका नाम रखा गया ट्रेसिंग द रूट्स ट्रेसिंग द रूट्स क्यों नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर पहले जो लोग थे पुराने जमाने के लोग जो पहले से थे पीढ़ी हमारी पुरानी वो यूपी से बिलोंग करती तो इसलिए उन्होंने नाम भी वैसा ही रखा ट्रेसिंग द रूट्स की पहले अपने बारे में लोगों के बारे में जानिए उनको ट्रेस कीजिए विच विल हेल्प द डिसेंडेंट्स टू फाइंड देयर एंसेस्ट्री उनके पुरानी पुश्तैनी जो लोग हैं पुरानी पीढ़ी हैं एंसेस्टर्स हैं उनको ढूंढने में ईजी रहेगा ताकि उनको यहाँ पर ओ सी आई कार्ड मिल सके ओके ओ सी आई कार्ड ओ सी आई क्या होता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ फुल फॉर्म बताओ ओ सी आई की इसके अलावा यहां पर एक सदगुरु ट्रेवल है जो कि इंटरनेशनल कंपनी है इसको यहां पर एक प्राइज दिया गया अंजू रंजन जी के द्वारा क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा एक सपोर्ट किया था जब कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन हुआ था यहाँ पर फ्लाइट्स से रिलेटेड ओके फ्लाइट्स आई थी यहाँ से और लोगों को लेकर आया था उस वक्त इस सतगुरु ट्रैवल ने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा काम किया था इस पर्पज से नीचे साउथ अफ्रीका का स्टैटिक फैक्ट लिखा हुआ है कैपिटल इसकी तीन कैपिटल है साउथ अफ्रीका तो ये ध्यान रखिएगा प्राइटेरियो एग्जीक्यूटिव है ब्लॉन्फोन चेंज जुडिशियल कैपिटल है एंड कैपिटन वहां के लेजिस्लेटिव कैपिटल है सो so, ये आपका पूरी की पूरी न्यूज में काफी सारी चीजें बन रही हैं पहली चीज उत्तर प्रदेश साउथ अफ्रीका कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का नाम क्या है नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे ट्रेसिंग द रूट्स क्या है अंजू रंजन जी ने किसको दिया सतगुरु ट्रैवल को दिया और एक और आपके लिए इसमें होमवर्क है दुनिया में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी कैपिटल एक से ज्यादा है दुनिया में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी कैपिटल एक से ज्यादा है उन कंट्रीज के नाम याद रखिएगा और इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिनकी दो एक से ज्यादा कैपिटल्स हैं वो मुझे बताइएगा कल एम में कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन होंगे तो आपके लिए होमवर्क पूरी दुनिया में कितनी है और खासकर इंडिया में कितनी है दुनिया की ना मिले इतना ज़्यादा रिसर्च ना हो बट एटलीस्ट इंडिया की आपको पता होनी चाहिए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स लिस्टेड अंडर द आयूसी एंड रेड लिस्ट एज एंडेंजर्ड एंड द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओके सो यहां पर आपका ओके नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीकन एलिफेंट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिस्ट अफ्रीकन एलिफेंट्स को अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो कि एक साइंटिफिक नाम जिनका है लॉक्सोडोटा साइक्लोटिस इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट जिनका यहां पर साइंटिफिक नाम है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना ओके okay, इनको एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया सो आई एन जो कि आपके एक इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसा इसका नाम होगा वैसा ही आपको इसका समझ में आ गया होगा इसका काम क्या है ये पूरी दुनिया में यहां पर जो भी आपके विलुप्त हो रही प्रजातियों को विलुप्त हो रही जानवर हुए उन लोगों को उन स्पीसी को यहाँ पर बचाने का काम करती है ये उसके लिए वर्क करती है ये है आयु और इसके लिए उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में सभी के सभी एनिमल्स को यहाँ पर रखा जाता है अलग अलग कैटेगरी में जिसमें इन्होंने अभी हाल में ये एलिफेंट्स की जो दो कैटेगरी हैं, इनको इस लिस्ट में शामिल किया है पहले उनको ने नाम दिया है आपका अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन पे है

गया है ओके सो दिस इज द अफ्रीकन लिस्ट एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन दोनों दोनों एलिफेंट टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स कितने हैं और इंडिया में कितने हैं ये नंबर्स आपको याद करना है ये पूछ सकते हैं हए चलते हैं हम आ, इंडिया यूएस होम सेक्रेटरी डायलॉग सो so, इंडिया एंड यूएस के बीच में यहां पर एक बार फिर से एस्टेब्लिश हुआ है इंडिया यूएसए होम सिक्योरिटी डायलॉग ये जो होम सिक्योरिटी डायलॉग है या फिर ये स्पेसिफिक जो आपका सिक्योरिटी परपज से जो फंडा है ये आपका स्टार्ट किया गया था जब बराक ओबामा वहां के प्रेजिडेंट थे और फिर लेटर ऑन इसको यहां पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम डोनाल्ड ट्रंप के टाइम इसको डिसकंटिन्यू किया गया और एक बार फिर से इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द न्यू गवर्नमेंट बाय द न्यू प्रेजिडेंट जो विदन परिटी कुछ टेक्नोलॉजी और जैसा इसका तो इन्वॉल्व होंगे इंडिया के होम मिनिस्ट्री एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के दोनों इसमें यहां पर इन्वॉल्व होंगे द डिसीजन डिस्कशन बिटवीन द इंडियाडर टू यूनाइटेड स्टेट्स तरनजीत सिंह संधू एंड द सेक्रेटरी उधर जो है वो है आपके मयूर ओके okay, सो so, खैर मयूर जी का नाम मत याद रखेगा बट ये याद रख लीजिएगा तरनजीत सिंह संधु का नाम एंड बाकी खैर जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है यहाँ पर और ये पहली जो दोनों के बीच में डायलॉग हुआ था मीटिंग हुई थी मई 2011 में न्यू दिल्ली में हुई थी ठीक है सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन इंडिया यूएस होम सिक्योरिटी डायलॉग कौन से दो आ, मिनिस्ट्रीज के बीच में है होम मिनिस्ट्री एंड उधर है होमलैंड सिक्योरिटी तरनजीत सिंह सिंधु कब स्टार्ट हुई थी मई 2011 में कहाँ पर हुई थी न्यू दिल्ली में हुई थी कौन से प्रेसिडेंट थे उस वक्त बराक ओबामा जी थे और कब ये डिसकंटिन्यू हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया था ओके चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम इंडिया मैदेस्कर कंडक्टेड फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग एंड पैसिक्स सो यहाँ पर फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल पेट्रोल टुक प्लेस बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया जो इंडिया एंड मैदास्कर के बीच में एक की गई है और इंडिया और की तरफ से यहाँ पर आईनएस शड्डूल इंडिया की तरफ से आईनएस शड्डुल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया आईनएस शड्डुल ने और जो मैदास्कर की तरफ तो से यहां पर ट्रोजाना, ओके, ट्रोजाना यहां पर पर की तरफ से पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट किया किया था. Uh, जिन्होंने इस में किया है. स्कर फर्स्ट एवर पहली बार ऐसा कुछ दोनों देशों के बीच में हुआ है मैदागास्कर एंड्री रेजोलिना रे अरारी ओके, वहां की करंसी है एग्जाम अ क्वेश्चन मैदागास्कर का स्टेट इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है इस न्यूज से आइनस शर्दुल का नाम पूछा सकता है ट्रोजाना का नाम आपसे पूछा जा सकता है ओके सो यहां पर एक आपको कंफ्यूजन बहुत सारी होगी जिसमें अगर आप यह सोच रहे हो सर यह क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ अभी हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज हुई है तो हम क्या आंसर देंगे क्योंकि बहुत सारी पैसेज एक्सरसाइज हो रही हैं देखो स्पेसिफिक कोई भी नाम नहीं दिया गया है अगर स्पेसिफिक नाम दिया गया होता तब हम इस तरह का क्वेश्चन बनता इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो ओड वन आउट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया की हाल ही में एक्सरसाइज नहीं हुई है ठीक है या फिर हुई है यह भी पूछ सकते हैं बट उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में ही जाना पड़ेगा और प्रीवियस करंट अफेयर्स को भी याद रखना पड़ेगा यह एक फंडा है बाकी पैसेज एक कॉमन वर्ड है एक कॉमन चीज है कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक एक एक्सरसाइज का ठीक है सो दिस इज दिट एंड दस शूल राइट नेक्स्ट चलते हैं हम इंडिया एंड फ्रांस वर्किंग ऑन थर्ड ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन एंड फ्रांस तीसरे ऐसे मिशन पर एक साथ फिर से काम कर रहे हैं तीसरा मिशन ऑब्वियस तीसरा है तो यानी कि दो पहले हो चुके हैं दो कौन कौन से हो चुके हैं दो हुए हैं आपके यहां पर आपके दो मिशन जिनका नाम था मेघा ट्रोपिक्यूस 2011 में एंड द सरल दो 2013 में ओके, okay, so ये दो मिशन ऑलरेडी हो चुके हैं यहां पर इसरो एंड फ्रांस की स्पेस एजेंसी इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है एंड फ्रांस की स्पेस एजेंसी जो है वो है सेंट्रल सेंट्रल नेशनल डी पैटियर ओके सो दैट इज दी एन ई एस सी एन ई एस ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है दैट इज वाई दी एन ई एस यहाँ पर इन दोनों के साथ मिलकर यहाँ पर किया है और एक बार फिर से ये लोग तीसरी एक ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें स्पेस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सप्लोरेशन uh, या फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड यहाँ पर एक तृष्णा नाम की त्रिशना नाम का यहाँ पर एक इंफ्रारेड इमेजर थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट सो ये एक चीज डेवलप की जा रही है त्रिशना नाम की इन दोनों के द्वारा एंड इसके अलावा यहां पर अर्गोस अर्गोस एक इंस्ट्रूमेंट है सीएनईएस का अरगोस इंस्ट्रूमेंट है एक सी एन ई एस का इसको भी यहाँ पर इंडिया एक्वायर करने की सोच रहा है इट वॉज क्रिएटेड नाइनटीन सेवेंटी एट में क्रिएट किया गया था अरगोस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपका बाय दी एन ई एस के द्वारा यहाँ किया गया था एंड इट इज अटिफिक टूल फॉर कलेक्टिंग एंड रिलेइंग मेट्रोलॉजिकल एंड दिन डाटा अराउंड दी वर्ल्ड सो बेसिकली पूरी पूरी दुनिया में जो आपको मेट्रोलॉजिकल यानी कि मौसम की जानकारी ऑशियोनोग्राफी यानी कि ओशियन से संबंधित जानकारी देने में ये सक्षम है ठीक है सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन तीन तीसरा किसके बीच में फ्रांस की फ्रांस की फ्रांस की आपकी स्पेस एजेंसी है उसका नाम आपसे पूछ सकते हैं पहले दो मिशन कौन से थे उनका नाम पूछ सकते हैं तृष्णा क्या चीज है ये पूछ सकते हैं फॉर्म अच्छे से याद रख लीजिएगा एंड अरगोस के बारे में पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है एंड नेक्स्ट ये कब बनाया गया था तो नाइनटीन में राइट नेक्स्ट चलते हैं जीका uh, ने साइन किया है दस बिलियन येन लोन एग्रीमेंट विद ओके सो यहां पर जापान इंटरनेशनल एजेंसी साइन किया एक लोन एग्रीमेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दस बिलियन जापानीज येन विद टाटा कैपिटल लिमिटेड सो जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जीका ने एग्रीमेंट साइन किया है कितने का दस बिलियन जापानीज येन का सो so ध्यान रखना दिस इज नॉट द दस बिलियन डॉलर दिस इज दस बिलियन जापानीज येन ओके जापानीज येन का टाटा का कैपिटल लिमिटेड के साथ साइन किया है एंड इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक एनबीएफसी है यहां पर जो कि

आ, पूरा का पूरा जो इस न्यूज का एक सार जो है वो ये है कि जीका ने टाइप की है टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड क्या करता है ये आपका लोन प्रोवाइड कराता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि आपका ग्रीन ग्रीन uh, प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है या फिर जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं जो कि कार्बन इमिशन को कम करने के लिए काम करते हैं ऐसे इंडस ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको फाइनेंस दिया जाता है ताकि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश कर सकें और हमारे जो कार्बन एमिशन है जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम किया जा सके राइट right, सो so ये है आपका जी का दस बिलियन एन लोन प्रोवाइड कराएगा टीसीसीएल को टीसीसीएल सी सी एल इसी दस बिलियन को आगे फर्दर लोन के फॉर्म में देगा उन एजेंसीज को जो कि हेल्प करेंगे डिक्रीजिंग एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इन इंडिया यह एग्रीमेंट आपका बेसिकली फोकस कर रहा है गोल नंबर सेवन एंड गोल नंबर तेरह पे ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो लोग नए हैं उनको बता दूं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सत्रह उन सत्रह के सत्रह को याद रख लेना एग्जाम में पूछ सकते हैं इंडिया तीसरा सबसे लार्जेस्ट मीटर है ग्रीन हाउस गैस का सबसे पहला चाइना एंड देन दी यूएसए जीका के बारे में दाटा टी सी, -सी, -सी के बारे में ये भी आपके सामने लिखा हुआ है ओके सो so, एग्जाम पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खैर ऑलरेडी आपको साथ साथ बता ही दिए नेक्स्ट चलते हैं हम एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 हज़ार इक्कीस सो ये कुछ कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं बेस्ट डोमेस्टिक बैंक कोटक महिंद्रा बेस्ट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट बैंक कोटक महिंद्रा बेस्ट इंटरनेशनल बैंक डीबीएस बेस्ट डिजिटल बैंक एक्सिस एंड द बेस्ट बैंक फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर बैंक और इसके अलावा यहाँ पर एच बैंक को यहाँ पर इंडिया का बेस्ट बैंक दिया गया है फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए एम को फंडिंग देने के लिए ये एक एच डी एफ सी बैंक को एक दिया गया है खिताब खिताब तो क्या कहेंगे अवार्ड एंड दैट इज बेस्ट बैंक अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी इकतीस दिसंबर दो हजार बीस इज अबाउट टू पॉइंट जीरो टू ट्रिलियन विच इज थर्टी एट परसेंट हायर देन द 2019. थाउजेंड so, सो यहाँ पर उन्होंने लोन दिया था एम को जो कि आपका पिछले साल के मुकाबले इस साल आपका उसमें 38 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली है एज ऑन इकतीस दिसंबर 2020 का ये डाटा आपके सामने है ओके okay, सो so, नीचे भी नाम लिख करके हैं याद रख लेना अच्छे से ऊपर एच बैंक का तो नाम आपको याद रखना ही है और किसने अवार्ड दिया है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स थे आपके चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 आया है सो दिस इज द स्कोर ऑफ इंडिया विद द स्कोर ऑफ 38.40 परसेंट चालीसवा रैंक आया है टोटल 53 ऐसे यहां पर कंट्रीज थी नोवा एडिशन था ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का पूरा नाम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिकवरी थ्रू इन्ग्यूनिटी 2021 रिलीज किया गया चैम्बर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया यहाँ पर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरे दिमाग की उपज मैंने कुछ सोचा उसको मैंने इंप्लीमेंट किया और उसको मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया ताकि उस आइडिया को कोई और चुरा ना सके कोई और इंप्लीमेंट ना कर सके ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एड ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल मेरे दिमाग मेरी प्रॉपर्टी है मैंने उस पर रजिस्ट्रेशन कराया और उस पर मोहर लग गई और वो कोई कॉपी करता है तो मैं उस पर केस कर सकता हूँ सिंपल सरल भाषा में देसी भाषा में यही होता है ठीक है इसमें आपका रैंकिंग आई इंडिया की रैंकिंग चालीसवीं मीन्स यहाँ के लोग कितने आईपी पी राइट से आपके अवेयर हैं कितने वो आईपी राइट्स करवाते हैं कितने रजिस्टर करवाते हैं पेटेंट कॉपीराइट वगैरह वगैरह ये सब चीजें वो करवाते रहते हैं तो इंडिया का रैंकिंग फोर्टियथ आया यूएसए के लोग सबसे ज्यादा है इसमें आगे यूके एंड जनवरी और इंडिया का रैंक फोर्टी आया है इसमें ठीक है नीचे जी के बारे में लिखा हुआ जिन्होंने ये रैंकिंग आपकी दी है उटउट दी जी आई पी एस एग्जाम्पॉइंट क्वेश्चन यूके जर्मनी तीनों का नाम इंडिया का स्कोर अच्छा खासा याद रख लेगा पूरे पूरे इंडेक्स का नाम आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट चलते हैं हम आ, नियो ने पार्टनरशिप किया है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड दीजा के साथ तो यहां पर नियो डिजिटल बैंकिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है पार्टनरशिप किया है किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एंड लॉन्च दी न्यू एक्स न्यू एक्स एक मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है मिलेनियल्स मिलेनियस किसको रिप्रेजेंट करता है मिलेनियस इनको रिप्रेजेंट करता है आपके जो लोग hmm... कहा गया वो एक सेकेंग, एक सेकेंग रुकना। एक रुकना, और न्यूज थी मिक्स तो नहीं होगी हाँ ये लिखी हुई ठीक है पीपल बोन ड्यूरिंग पीरियड चलो बाद में आएगा ठीक है वही मैंने सोचा मैंने कहा ये क्या चीज दो न्यूज़ मिक्स कैसे होगी मैं कन्फ्यूज हो गया मिलेनियल्स मैंने कहीं और भी पढ़ा था चलो मिलेनियल्स को आ, आपका देने के लिए एक एक पार्टनरशिप किया है यहाँ पर नियो ने नियो ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी ने इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एंड वीजा के साथ जिसके साथ उन्होंने एक यहाँ पर ऐप लॉन्च की है या फिर एक कह लीजिए कैटेगरी ऑफ लोन अकाउंट लॉन्च किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है नियो एक्स नियो एक्स उन्होंने नाम दिया है जिसका उनका टारगेट है दो मिलियन कस्टमर्स को यहाँ पर आपका दो तक यहाँ पर लेकर आना बैंक से जोड़ना इन अकाउंट है जिसमें सेविंग अकाउंट भी रहेगा रहेगा वेल्थ अकाउंट भी means आप शेयर मार्केट वगैरह में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस रहेंगे उसमें कोई भी चार्जेस नहीं दस हजार बैलेंस अकाउंट दस हजार मिनिमम बैलेंस होना चाहिए बट अगर आपका एवरेज uh, बैलेंस रहता है तो नो चार्जेस विल बी लेविड ओके दस हजार एवरेज मिनिमम बैलेंस रहेगा पूरे पूरे मंथ का तब भी आपका कोई भी अकाउंट में से पैसा डिडेक्ट नहीं होगा मिनिमम बैलेंस का पॉइंट पांच परसेंट एक लाख तक और सात परसेंट अगर आपका उसके ऊपर एक लाख से ऊपर अगर आपका बैलेंस आता है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ओके सो यहां पर जीरो जीरो सेवन बैंकिंग इसको नाम दिया गया है जीरो परसेंट मेंटेनेंसर जीरो परसेंट कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेवन परसेंट इंटरेस्ट ऑन अकाउंट बैलेंस इसलिए और इसलिए इसको नाम जीरो जीरो सेवन दिया गया जीरो परसेंट है जीरो परसेंट कमीशन म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अकाउंट बैलेंस में भी सात परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलता है जीरो जीरो सेवन एग्जाम्पलिस क्वेश्चन जीरो जीरो सेवन आपका यहां पर किसके द्वारा या फिर किसने दिया है जीरो जीरो सेवन यहां पर नाम ये दिया है आपका इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक वीजा ने मिलकर नियो के साथ टाइप किया इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक प्रोडक्ट है इन्होंने इसको दिया और नीचे प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी आपके सामने लिखी हुई है नियो के जो को फाउंडर सी हैं विनय बागड़ी हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो यहाँ पर उसके एमडी हैं वासुदेवन पथंगी नरसिमन हेडक्वार्टर चेन्नई में है इसका नेक्स्ट चलते हैं हम सेबी ने इश्यू किया न्यू फ्रेमवर्क फॉर द डिलीवरी डिफॉल्ट इन डेरिवेटिव सेगमेंट ओके तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं डेरिवेटिव्स अगर आपको कोई भी यह कॉमोडिटी खरीदनी है कॉमोडिटी इन द मतलब आपको ये पेन खरीदना है अगर मेरे हाथ में है जो ये पेन अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं बट अगर आपको लगता है कि ये पेन की कीमत ये पेन की कीमत फ्यूचर में बढ़ सकती है लेकिन आज की डेट में आप इसको खरीदने के लिए राजी नहीं है खरीदना चाहते हुए नहीं भी खरीदना चाहते ये एक दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है कि फ्यूचर में क्या होगा मुझे पास मुझे चाहिए तो ये पेन तीन महीने बाद मुझे आज की डेट में नहीं चाहिए तो मैं क्या तीन महीने बाद खरीद लूँ क्या मैं आज खरीद लू क्या होगा क्या नहीं होगा लाइक like, जिससे पीडीएफ कोर्स आया था पीडीएफ कोर्स हमारे एनुअल जो सब्सक्राइबर थे जो मोहटस जिन्होंने खरीद रखा था उनके लिए पहले बारह घंटे जब पहले बारह घंटे में वो ऑफर दिया गया था उनको पहले बारह घंटे में आप खरीदते हैं तो उसका प्राइस आपको डिस्काउंटेड में मिलेगा बारह घंटे बाद खरीदेंगे तो वही कुछ लोग सोचते रहे कि खरीदूँ ना खरीदूँ खरीदूँ ना खरीदूँ खरीदू। उसी सोच में उनका टाइम निकल गया और फिर उन्होंने सोचना आगे आगे कि शुरू किया फिर मैंने एक और ऑफ़र दिया मैंने कहा भाई अब तो खरीद लो नहीं तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा तब भी नहीं खरीदा फिर उसके बाद अब जाकर वो खरीद रहे हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा उसके बाद बढ़ गया तो ये सोच सोच में कंफ्यूजन कंफ्यूजन के लिए डेरिवेटिव एक नाम की चिड़िया है जो हमें प्रोवाइड की गई है डेरिवेटिव लेकिन मेरे वाले केस में नहीं था पीडीएफ कोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता ये रिलेटेड है आपकी कैपिटल मार्केट से सो so, डेरीवेटिव में क्या होता है कि मुझे ये पेन खरीदना है मैं क्या करूंगा एक पर्सन से एग्रीमेंट कर लूंगा मैं उसको कहूंगा कि ये पेन है ये पेन मैं आपसे तीन महीने बाद लूंगा कि, 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 लेकिन उसका रेट आज की डेट में हम डिसाइड कर लेते हैं वो पर्सन सामने वाला रेट डिसाइड कर लेता है कि मैं इसको पचास रुपये में खरीदने को मैं पचास रुपये में इस पेन को आपको बेच दूंगा लेकिन जो पेन दूंगा मैं आपको तीन महीने बाद दूंगा और पचास रुपये भी आपको तीन महीने बाद दूंगा लेकिन आज की डेट में इस पेन की कीमत पैंतालीस रुपये है वो पर्सन रिस्क सिर्फ इसलिए लेता है पचास रुपये का कि उसको लगता है इस कैम पेन की कीमत जो तीन महीने बाद पचपन रुपये हो सकती है सो इस पेन की कीमत पचपन रुपये हो सकती है यही अनुमान लगाते हुए एक पर्सन दूसरे पर्सन से ये कहता है कि तीन महीने बाद मुझे ये पेन दे देगा बट मैं आज की डेट में आपसे पचास

पेन की कीमत जो और डाउन होगी तो इस चीज को यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे एक एग्रीमेंट की बात करी कि एग्रीमेंट ये किया जाता है तो जो एग्रीमेंट आपका किया गया था वो एग्रीमेंट आपका डेरिवेटिव्स में कहलाता है डेरिवेटिव्स में बहुत सारे एग्रीमेंट टाइप्स होते हैं फ्यूचर ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शंस होते हैं जिसमें पुट एंड कॉल ऑप्शंस आते हैं बहुत ही डिटेल स्टडी है ये आपकी जो मैंने अभी बताया बहुत ही देसी तरीके से बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताया कि ये आखिरकार डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है डिटेल में आ, मेरा ऑलरेडी मैंने जो लोग बैंकिंग में ना देख रहे हैं उनको पता होगा उसमें मैं करवाऊंगा ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे भी हम तो उसमें डिटेल में हमने किया हुआ इस चीज को ठीक है तो ये आपका देसी भाषा में इस न्यूज को समझने के लिए मैंने जो देसी भाषा में चीज बताई उसको अगर समझ पा रहे हो तो आप डेफिनेटली इस न्यूज को भी समझ पाओगे अब इसमें क्या कहा है मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया था अब यहां पर आपको यहां पर मैं बताता हूं कि यहां पर क्या है यहां पर है सेबी ने साथ में है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेबी और साथ में है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का क्या काम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का काम बेसिकली है जब दो लोग आपस में ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट की ठीक है मैंने आप मैंने शेयर खरीदा किसी से और ऑब्वियस मैं खरीदूंगा तो उसको पेमेंट करूंगा और उसको मुझे शेयर्स देने पड़ेंगे तो एक बीच में एक ऐसी एजेंसी है जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि वाकई में उसको पेमेंट भी मिल जाए और उसको शेयर्स भी मिल जाए तो वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंश्योर करती है इस चीज़ को ठीक है सीसीएल so ने साथ में सेबी के साथ मिलकर कुछ एक पीनल स्ट्रक्चर को चेंज किया पेनल्टी जो लगाई जाती है आपकी डेरिवेटिव पे उसको चेंज किया है अगर इनकेस डिफॉल्ट किया जाता है डिलीवरी डिफॉल्ट किया जाता है डिलीवरी डिफॉल्ट कब होता है तीन महीने बाद जब मैं पेन लेने गया तो उस पर्सन ने मुझे पेन देने से मना कर दिया कहा कि मैं नहीं दूंगा दैट इज़ अ डिलीवरी डिफॉल्ट कि मुझे उसका पेन को उसको डिलीवर करना था बट मैंने डिफॉल्ट किया इन दैट केस यहाँ पर पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी क्या की गई है यहाँ पर पेनल्टी लगाई गई है चार एंड तीन परसेंट ओके चार एंड तीन परसेंट यहाँ पर पेनल्टी गई है अगर कोई भी एग्रीकल्चर कॉमोडिटी है कोई अनाज वनाज खरीदते हो गेहूँ खरीदते हो दाल वगैरह उसकी डायरेविटिव खरीदते हो तो चार परसेंट पेनल्टी है अगर कोई नॉन एग्रीकल्चर कॉमोडिटी है आपकी लाइक दी कोई मेटल है गोल्ड है उसका आप फ्यूचर फॉरवर्ड खरीदते हो तो तीन परसेंट पेनल्टी है ठीक है तो ये चीज़ आपकी इस न्यूज़ में आई है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ होगी मेरी जो मैंने समझाया उससे इस न्यूज को समझोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा बाकी फॉरवर्ड फ्यूचर पुट कॉल ऑप्शन तो बहुत डिटेल में होता ही है राइट right, नेक्स्ट चलते हैं हम आँ... आईसीसी बैंक इन पार्टनरशिप विद बिल डेस्क एंड द रिजर पे आई सी सी बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टेंट ई एम आई फैसिलिटी इंस्टेंट ई एम आई फैसिलिटी इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म दैट इज दई ओके ई एम आई एंड इंटरनेट बैंकिंग पार्टनरशिप किया है बिल डेस्क एंड द रिजर पे के साथ ओके बिल डेस्क एंड रिजर पे के साथ इन्होंने टाइपअप किया है पार्टनरशिप किया है आई सी सी बैंक ने इंस्टेंट ई एम आई फैसिलिटी आपकी लॉन्च की है ई एम आई एट द रेट इंटरनेट बैंकिंग इसको एक नाम दिया गया है बिल्डर्स एंड रेजर पे के साथ यहाँ पर है और बेसिकली ये ICC बैंक बना पहला इंडियन बैंक इस तरह की इंस्टेंट इंस्टेंट ईएमआई ईएमआई फैसिलिटी फैसिलिटी देने वाला इंस्टेंट फैसिलिटी होती है यानी कि अगर आपको कोई भी चीज परचेज करनी है पचास हजार से पांच लाख रुपए तक की चीज परचेज करनी है तो आपकी वो एक ईएमआई बन जाएगी आपको उस वक्त किसी भी अमाउंट को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपनी जो भी अमाउंट परचेजिंग कर रहे हैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं ऐसा आई बैंक ने अभी सुविधा देना स्टार्ट किया है ओके सो दिस इज इज द सुविधा गोइंग टू बी गिवन बाय द बाई इज गोइंग टू बी गिवन बाय द सी बैंक एंड अपने अकॉर्डिंग टेन्योर चूज कर सकते हो आप तीन महीने में पूरी पेमेंट कर दो छह महीने में कर दो नौ महीने में कर दो बारह महीने में कर दो आई सी सी बैंक एंड दिजर पे के बारे में ठीक है सो दिस रिजर्व पे बिल डेस्क एंड द रिजर्व पे रीज़र पे जब आप पीडीएफ कोर्स परचेज करते हो तो एक सामने पेमेंट का एक आता है ना रीज़र पे रीज़र पे के थ्रू आप पेमेंट परचेज देते हो ना हमने काफ़ी लोगों ने जब पी कोर्स परचेज़ किया या हमारा मोकटस परचेज किया होगा तो रीज़र पे एक बीच में आती है जो कि एक एक हमारे और आपके बीच में एक फंडिंग ट्रांसफर का, का काम करती है कि आपको वो प्रोडक्ट पहुंचाती है और हमें वो आपके द्वारा जो पेमेंट आप देते हो वो हम तक पहुंचाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं आ... लॉन्च सेविंग अकाउंट फॉर मिलीनियल्स ओके सो यहां पर आईओबी ट्रेंडी आईओबी ट्रेंडी यहाँ पर का मतलब भी लिखा हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक सेविंग अकाउंट जिसका नाम आईओबी ट्रेंडी रखा है ये इन्होंने लॉन्च किया है, कि है? कि जन्म हुआ था एंड इन इंडिया देर एस्टिमेटेड फोर ट्वेंटी मैं भी कैटेगरी में आता हूँ विच अप्रोक्समेटली थर्टी फोर परसेंट ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन ठीक है एज लिमिटी वन से थर्टी एट के बीच में there is no opening balance requirement. अभी कोई जब अकाउंट ओपन कराते हो तो कोई भी आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं लगेगा इसमें आपका मिनिमम बैलेंस दस हजार होगा और डेली मिनिमम बैलेंस अगर पांच मेंटेन करते हो उसके अलावा यहां पर बीस हजार पर महीने तक आप ट्रांजेक्शन करते हो अगर डिजिटल मोड के थ्रू तब भी अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगेगा ये चीज इन्होंने दी है इसके अलावा आपका इंश्योरेंस कवरेज पांच लाख तक रहेगा अगर आपके अकाउंट का क्वार्टरली बैलेंस जो है वो एक लाख या उससे ऊपर रहता है ओके क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यानी कि पूरे पूरे क्वार्टर में यानी कि तीन महीनों में यानी कि नब्बे दिनों में आपका जो टोटल लगाया हमने रोज के डेली बैलेंस का रोज डेली बैलेंस आपका कितना कितना रह रहा है उसका हमने टोटल लगाया और उसको डिवाइड किया 90 से तो जो हमारे पास फिगर आई वो फिगर अगर एक लाख से ऊपर अगर आती है आपकी तो आपको फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा पाँच लाख रुपये तक का ठीक है ये आईओबी ने एक लॉन्च किया आईओबी ट्रेंडी नाम का ये एक सेविंग अकाउंट नेक्स्ट चलते हैं एनएससी एस बोर्ड ट्वेंटी सिक्स परसेंट स्टेक इन दईजीएक्स फ्रॉम दी आई एक्स यहां पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यहां पर छब्बीस परसेंट हिस्सा अपना यहां पर बेचा

अदानी टोटल गैस गैस को, टोरेंट को दी को एंड ऑलरेडी सेल किया और इसके बाद आई अब चौपन परसेंट हिस्सा आई के पास रहेगा और 26 प्रतिशत हिस्सा यहाँ पर आपका एनएससी के पास रहेगा ओके 54 फोर प्लस 26 कितना हुआ 80 और बाकी पांच 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 परसेंट चारों के पास है तो टोटल 100 प्रतिशत हो गया So, यहां पर इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड जिसने अपना ऑपरेशन 15 जून 2020 को स्टार्ट किया था जहां पर आप गैस कंपनीज जो हैं, उनके बारे में ट्रेडिंग कर सकते हैं उनसे रिलेटेड उनसे रिलेटेड आपके परचेज सेल कर सकते हैं शेयर्स को सो दिस इज दी अब उसमें हिस्सा एन ने छब्बीस प्रतिशत खरीद लिया है और ये खरीदा है आपका आई में जिसको सेटअप किया था आई ने नेक्स्ट चलते हैं हम गवर्नमेंट uh, ने सेल किया है अपना पंद्रह प्रतिशत हिस्सा इन द रेल विकास निगम लिमिटेड सो गवर्नमेंट ने जो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था डिस इन्वेस्टमेंट प्लान एक पॉइंट पचहत्तर लाख करोड़ रुपए हम गवर्नमेंट जो सेक्टर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स से हैं उसमें से कुछ हिस्सा भेज कर हम 1.75 लाख करोड़ हम इकट्ठा करेंगे उसी का एक पार्ट है रेल विकास निगम लिमिटेड जिसका 15 प्रतिशत हिस्सा यहां पर साढ़े सात सौ करोड़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर सेल करने का फैसला किया है ऑफर फॉर सेल के तहत तो ऑफर फॉर सेल ओपनली मार्केट में अगर आप सेल करेंगे जो भी आपके यहाँ पर हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको ऑफर किया जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड जो कि दो में आया था 100% पब्लिक सेक्टर कंपनी थी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत बट अब इसमें पंद्रह हिस्सा बेच दिया जाएगा यानी कि 85% हिस्सा स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा तो यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही कहलाएगा इसके चेयरमैन एंड एमडी प्रदीप गोड़ है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है नेक्स्ट चलते हैं हम डेनिस ससो गुसो नगुसो प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो री सो यहां पर डेनिस नगुसो प्रेसिडेंट ऑफ ऑफ रिपब्लिक डैनिसेक्ट किया गया प्रेसिडेंट विद मोर देन 88.57 एट पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ दोट टोटल अब 36 साल तक ये रह चुके हैं आपके यहाँ के कॉन्गो के प्रेसिडेंट एंड दिस द नेम इज ये आपके बिलोंग करते हैं कोंगोलीस लेबर पार्टी से 1979 में पहली बार बने थे उसके बाद 1997 में आफ्टर लूजिंग द कोंगो फर्स्ट मल्टी पार्टी इलेक्शन 1992, ओके okay, सो so, 92 में आ रहे थे 97 में फिर बने थे, एंड दिस इज वॉर द रिपब्लिक ऑफ कोंगो कैपिटल है ब्राज़वीली, एंड द सेंट्रल अफ्रीकन रैंक वहां की करेंसी है ओके okay. ओके okay, सो so ये था हमारा आज का सेशन अब मुझे बताओ कि भाई साहब आपकी कोई क्वेरी हमारे पीडीएफ कोर्स से रिलेटेड या फिर आपको पीडीएफ कोर्स कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस कमेंट में तो बताओगे बताओगे लाइव कमेंट सेक्शन में बट इस वीडियो को जब अभी एंड हो जाएगी वीडियो उसके बाद जरूर एक फीडबैक जरूर देना कि हमारा पीडीएफ कोर जो आज से स्टार्ट हो वो लगा कैसा जेनवन कैसा लगा प्लीज उसका जरूर रिप्लाई करना आई वॉन्ट टू नो योर फीडबैक बिकॉज ये चीज आपके लिए बनाई गई थी और जब तक आप मुझे बताओगे नहीं एक्जैक्टली उसका लेवल क्या था या क्या आपको लगा है तब तक हाँ, कुछ अगर उसमें इंप्रूवमेंट की नीड है या फिर कुछ भी आपको जरूरत है तो हमें पता चल सके ठीक है तो वो जरूर बताना अभी खैर आज जो आए थे आज कुछ बेसिक क्वेश्चन आए थे धीरे धीरे अगर काफी लोग बोलेंगे सर लेवल ऐसा था लेवल वैसा था तो देखो ये पीडीएफ कोर्स बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया गया जिसमें लेवल वाइज क्वेश्चन रखे गए हैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता रहेगा क्वेश्चन का अभी जो दिया गया है आई थिंक जो पहले दिन के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए वो मिला है और आप उससे अच्छे से आज आपने टारगेट भी अपना पूरा किया होगा एक और चीज अगर आपको मैंने हमने एक मेल किया है जिसमें हमने एक टेलीग्राम नंबर फ्लॉट किया है उस टेलीग्राम नंबर पे आपसे एक रिक्वेस्ट है अपने डाउट्स को एक पर्टिकुलरली फॉर्मेट में भेजिएगा वो डाउट्स आपके फॉर्मेट क्या होना चाहिए ऑलरेडी आपके मेल में लिखा हुआ है प्लीज उसी फॉर्मेट में भेजिए ऐसा नहीं आप स्क्रीनशॉट सिर्फ लिख रहे हैं आप साथ में पी कौन सा पी है और कौन सी डेट की पी है और कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर है ये भी मेंशन कीजिए और अपना नाम भी मेंशन कीजिए तब आपका डाउट लिया जाएगा अगर आप सीधा स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं उस नंबर पर आपका डाउट नहीं लिया जाएगा बिकॉज और डाउट भी लिखे आखिर उस क्वेश्चन में डाउट आपको है क्या ठीक है और एक चीज और अवॉइड कीजिए उस नंबर पे कॉल करना आप कॉल कर रहे हैं उस नंबर पे बार बार वो कॉल के लिए नंबर नहीं है वो केवल अगर स्पेसिफिक आपके डाउट्स को सोल्व करने के नंबर है डाउट्स भी कौन से जो आपके पीडीएफ कोर्स में अगर क्वेश्चन है उन्हीं के डाउट्स को सोल्व करने के लिए ऐसे नहीं है कि आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं केवल अगर जो पीडीएफ क्वेश्चन में पीडीएफ कोर्स में डाउट्स पूछ सकते हैं वही पूछेंगे इसलिए स्क्रीन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर अलोंग विद द पीडीएफ नेम अलोंग विद योर नेम यू शुड मेंशन और कुछ भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स उन टीम से ये पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं क्या हैं कहां से हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्लीज इस चीज को भी अवॉइड कीजिएगा जिस परपस से वो चीज बनाई गई है उसी परपस से उस चीज को रखिए ठीक है और नेक्स्ट थिंग अगर आपको कोई भी अगर आपके पास uh, कोई भी क्या कह रहे हैं कि पी ओपन नहीं हुई या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको हमने एक मेल आई दी हुई है दिस इज दी मेल आई जो आपको मेल आई हमने दी है इस मेल आई डी पर आप मैसेज मेल कर दीजिएगा आपकी क्वायरी सॉल्व हो जाएगी और प्लीज बी पेशेंट आप रात को दस बजे मेल कर रहे हैं ग्यारह बजे मेल कर रहे हैं और कहते हैं एक घंटे बाद कहते हैं मुझे रिप्लाई नहीं आया बंधु एक वक्त होता है जिस वक्त इंसान काम करता है ठीक है जो लोग जॉब कर रहे हैं जो लोग आप भी काम करोगे आपका भी एक लिमिटेड समय होता है सुबह 10 से 6 की ड्यूटी आप भी करोगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि सुबह छः बजे आपने मेल किया तो सात बजे रिप्लाई आ जाएगा रात को दस बजे मेल कर रहे हो तो ग्यारह बजे रिप्लाई आ जाएगा एक बिल्कुल सही समय है एक पूरा ऑफिस आवर होता है दस से छ का उसके बीच में आपको रिप्लाई मिल जाएगा अगर लेट आपने किया है मेल तो थोड़ा सा वेट करना आपको पड़ेगा ठीक है ये आपके लिए किसी भी टेक्निकल इशू आपका पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा आपके परचेज किया बट शो नहीं हो रहा इस तरह के कोई भी टेक्निकल इशू है इस मेल आई डी लिखिए नेक्स्ट थिंग हमारी ऐप का नया अपडेट आ चुका है ऐप का अपडेट आप देख लीजिएगा जो भी ऐप का अपडेट है ठीक है उसको डाउनलोड कीजिएगा उसके बाद आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो सक पाएंगी और हिंदी पीडीएफ का, का काफी इश्यू आ रहा है तो वो भी मैंने आपको मैंशन किया था टेलीग्राम चैनल में कि ऐप अपडेट कीजिए वेबसाइट पर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है जब तक आप ऐप अप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपको हिंदी में जो पीडीएफ हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगी हमारे ऐप में और ऐप का बिल्कुल नया डिजाइन दिया गया नया लुक दिया गया है तो जरूर उस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा ओके एंड आई थिंक ये कुछ डाउट्स होते हैं जो मैंने लिए बाकी कोई और डाउट्स है तो प्लीज बताइएगा मुझे मेल सबको कर दिया है स्पैम फोल्डर में देखना मस्त है ओके okay. बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं पीडीएफ बहुत हेल्पफुल है ओके okay. हिंदी में भी है बिल्कुल हिंदी में भी है ये पूरा पूरा पीडीएफ कोर्स जो है वो हिंदी में भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक है पूरा पूरा 9000 क्वेश्चन आपको दिए हैं दीज आर टोटल 9000 क्वेश्चन ऑफ एवरी सेक्शन हर एक सेक्शन का 9000 क्वेश्चन है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ क्लिक करो और आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो ये प्राइजिंग है अगर आप एनुअल मोकटस खरीदा हो साढ़े चार में मिलेगा अगर आपने एनुअल मोकटेस नहीं खरीदा होगा तो ये फाइव में मिलेगा आपको डेली बेसिस पर आपको पी मिलेंगी ठीक है दिस इज अबाउट आवर एनुअल मॉक टेस्ट अगर आपको खरीदना है तो वो भी 500 में वो लग से पे करना पड़ेगा उसकी वैलिडिटी एक साल की है सारे के सारे मॉक टेस्ट प्री मेंस और जो ये कंटेंट है ये भी प्री मेंस का है प्री मेंस हिंदी इंग्लिश सब कुछ है कंटेंट आप जाकर एक बार विजिट करो ये लिंक है यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर देखो एक शेड्यूल पूरा पूरा दे रखा है आपको ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बहुत बार बात की है और ये एक पंद्रह मॉक टेस्ट की सीरीज जो कि एनअल मॉक टेस्ट के अंदर ही इंक्लूडेड है ये भी आप उसके देख सकते हो जिसमें एवरी एनसडे और एवरी सैटरडे मॉक टेस्ट अनलॉक होगा ठीक है आई होप और कुछ आपका बचा नहीं होगा पीडीएफ करंट अफेयर्स के एग्जाम तक हाँ मिलता रहेगा अपडेटेड मिल सकता स्क्रॉल स्क्रोल करना पड़ता है ऊपर नीचे बहुत नहीं यार साथ साथ कैसे मिलेगा ना फिर आप करोगे नहीं फिर आप आंसर देखते रहोगे आंसर आपको दिख जाएगा इट्स बेटर कि जो सॉल्यूशन है वो लास्ट में हो ऐप में अच्छा है न्यू अपडेट ओके पीडीएफ का प्राइस मैंने बता दिया आपको लेवल क्वेश्चन बहुत अच्छा है ओके okay. लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चन आर सुपर वैलिडिटी कुछ नहीं है आप परचेज कर सकते हो एनी टाइम जब मर्जी आप परचेज करो आपको दिखने लग जाएगा आप उसको यहाँ पर पीडीएफ को आप रख सकते हो अपने पास अगले एटलीस्ट एक साल के लिए आपके पास रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा आप तब तक उसको प्रैक्टिस कर सकते हो कोई इशू नहीं है आप वैलिडिटी की टेंशन मत लो ओके okay. कंटेंट बहुत अच्छा है आज की एम क्लास रात को दस बजे होगी जो आज की एम क्लास है रात को दस बजे होगी आई थिंक कोई और डाउट है नहीं जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हीं पर फोकस करो आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही ठीक है सिक्सटी डेज के बाद भी परचेज कर सकते हैं कर सकते हो बट क्या फ़ायदा सिक्सटी डेज निकालने का क्या फ़ायदा सिक्सटी डेज तक करोगे क्या इट्स बेटर जब परचेज कर लो तभी सवेरा Combined PDF, combined PDF देखते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाओ क्लिक करो और परचेज कर सकते हो पीडीएफ की वैलिडिटी कोई वैलिडिटी नहीं है आप परचेज तो करो आपके पास ही रहेगी एक बार आप इंडिविजुअल करके देखो कंबाइन भी मिल जाएगा अगर कोई इश्यू आ रहा है तो कोई बात नहीं रिजॉल्व हो जाएगा बट ऐसा तो नहीं है कि आपको मिला नहीं है थोड़ी बहुत आप करो उसमें कंबाइंड भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा माइट भी कोई डाउनलोड करने में आपको इश्यू आ रहा होगा वैसे मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है टीम से फीडबैक कि ऐसा कुछ इश्यू आ रहा है बट मैं देख लूंगा अगर आप लिख रहे तो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज कवर करो स्पैम मत करो अगर आप मेरे डेली स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा मैं नहीं करवाता आर वी ग्रेड बी की मैं की प्रिपरेशन ठीक है मैं फेज़ टू की प्रिपरेशन आर वी ग्रेड बी की नहीं कराता तो प्लीज़ स्पैम मत करो इस तरह से सब्सक्रिप्शन है तो ये ले लूँ ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना आप हमेशा आप लोग कहते हो कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें प्रैक्टिस कहाँ से करें प्रैक्टिस के लिए आपको 9000 क्वेश्चन दे रहे हैं और डेली बेसिस पर आपको मिलते रहेंगे और अच्छे लेवल के मिलते रहेंगे तो फिर उससे उससे बेटर और क्या है बेसिकली हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत आती है उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी में मिलते ही नहीं अब जब हिंदी में दे रहे हैं अब वो कह रहे हैं कि अब ये करो वो करो वो करो ये है वो है तो अब वही है जब दे दो कुछ चीज तब कुछ और है जब नहीं मिलती तब कहते सर मिलता नहीं अब जब दे दिया तो अब ले नहीं रहे ठीक है इनफ फॉर एस बी यस नथिंग इज इनफ चाहे मैं भी कोई पढ़ा रहा हूं इनफ कुछ भी नहीं होता बट आपकी प्रैक्टिस कितनी आप अच्छे से कर रहे हो वो इनफ है 9000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं 9000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट अटैम करो रिलीजियसली करो उस चीज़ को तो डेफिनेटली आपका कोई भी एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता हाँ आप करोगे नहीं डेली के टारगेट जो डेली पी है आपको डेली क्वेश्चन जो मिल रहे हैं आप उसको पूरा ही नहीं करोगे आप वो जितने क्वेश्चन हुए उसमें से पचास करोगे अगले दिन फिर बैकलॉग क्रिएट फिर बैकलॉग क्रिएट क्या फ़ायदा उस चीज़ का तो इसलिए बैकलॉग ना क्रिएट हो बेटर कि डेली बेसिस पे करो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप हाँ जी मेरे करंट अफेयर्स भी सफिशिएंट है अब आपको एक जगह पे क्वेश्चन दे दिए चलिए टेक केयर बाय सी यू टुनाइट 10 दस बजे आज रात मुलाकात करते हैं एमसी क्लास में एंड वहां पर फिर करेंगे एमसीक्यूज कल की डेट के जो बचे हुए हैं टेक केयर ऑल द बेस्ट